लेंस मेकर पढ़ना था आज। लेंस मेकर पढ़ना था। ओके, तो लेंस मेकर में मैंने कुछ करवाया था आपको, नहीं करवाया था? नो सर, आप बस वो डायग्राम बना रहे थे कल। अच्छा, डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है चलो। ओके, लेंस मेकर। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको गांठ बांध के याद कर लेना है ना। ओके सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस होने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट वन साइड शुड बी एक स्फेरिकल। साइड स्फेरिकल चाहिए ना, एटलीस्ट वन साइड शुड बी स्फेरिकल, ठीक है। चलो, तो हाँ ये था तुम्हारा। यहाँ पे मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे मैंने पहली रे ली, यहाँ से पास करेगी, ये तुम्हारा सेंटर है, कुछ यूं चली गई सीधी। दूसरी रे मैंने मान लो यहाँ पे ले ली, और ये रे कहीं यहाँ जाके मीट कर रही है पहली रे से, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये कुछ यूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है, ठीक है बेटा। लेंस है तो मान लेते हैं ग्लास से बना होगा, अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक। तो नॉर्मल से लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं हम कि ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, और ये एंगल आपका मान लो गामा है, ये बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये ओ है, इस पॉइंट को मैं कुछ एन कह लेता हूँ, ये मान लो पी कह लेता हूँ, ओ एम, इस पॉइंट को एम कह लेता हूँ, ओ एम एन और पी एन सी, ठीक है। और इस पॉइंट को, ये इमेज है तो यहाँ पे आई कह लेता हूँ, सी और पी कौन सा था? पी, ये जो वर्टिकल लाइन आ यस रही है सर, डॉटेड वाली, यस सर, वो पॉइंट पी है। ओके सर, ठीक है बेटा, गौर से देखना, इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी दिख रहा है आपको, ओ एन सी, ओ एन सी ट्रायंगल में, ओ एन सी ट्रायंगल में देखो गौर से, ये एंगल आई जो है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? देखो एक प्रॉपर्टी यस होती है, एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर, क्लास 10th से पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो एन सी ट्रायंगल में आई द एक्सटीरियर एंगल एंड टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर अल्फा एंड गामा, है ना। ओ एन सी ट्रायंगल में एक ये एंगल था और एक अल्फा एक गामा है, तो ये एंगल तो होगा ना क्योंकि वो आई से इंक्लूडेड है, तो अपोजिट इंटीरियर कौन सा होंगे? अल्फा एंड गामा, तो लिख लेंगे हम लोग आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है सर।
दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, इन ट्रायंगल एन सी आई, एन सी आई दिख रहा है आपको, ये एन सी आई, एन सी आई ट्रायंगल में देखो ध्यान से है कि गामा इज इक्वल टू होगा एंगल आर प्लस बीटा। एन सी आई गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, ठीक है सर। आपको एन सी आई आपको दिख रहा है? दिख रहा है, यस सर, ठीक है सर। ये है एन, ये सी, यस सर, यस सर, गामा इक्वल्स टू आर, यस सर, ठीक। तो यहाँ से बेटा आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू होगा गामा, गामा माइनस बीटा, ठीक है, ओके, यस सर। ये मान लो इक्वेशन वन, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इक्वेशन वन क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर बचा नहीं है, ऑप्टिक्स तो मैं यूं खत्म कर दूंगा, बस थोड़ा सा और टाइम दो मेरे को। इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, अब यूज करो स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। पॉइंट एन कहाँ पे बेटा? ये जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा उसी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे ना? यस सर। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा? एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। हाँ, चीज मैंने पढ़ाया था आपको कि साइन आई या साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड टैन थीटा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा। यस सर, पढ़ाया था ना आपको, साइन थीटा को थीटा लेते हैं। हाँ जी सर। अगर If I is small, अगर I बहुत छोटा एंगल होगा तो डेफिनेटली R भी स्मॉल होगा। Yes sir. हाँ, तो हम यहाँ पे एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे साइन I इज इक्वल टू I एंड साइन R इज इक्वल टू R। Oh wow, Alexa. ठीक है, तो n1 n1 i equal to n2 r, i की वैल्यू क्या निकाली बेटा हमने? i निकाला हमने अल्फा प्लस गामा। हाँ, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? n1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन टू इनटू गामा माइनस बीटा ना? क्या होगा? एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इक्वल टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? N1 alpha plus, no sir. Very good. Very good. देखो. Not. Very good. अब देखो बेटा ध्यान से. Okay sir. क्या ये object distance है? Yes sir. क्या ये image distance है? V. Yes sir. ठीक है. और yes, क्या ये radius of कर्वेचर है? एम सी, यस सर, हाँ, एम सी सी पर, है ना, एम सी या पी सी एक ही बात है। अच्छा, ओके सर, है ना, बहुत पास पास है ये, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि जब तक अजम्पशन नहीं लेंगे हम तो कोई चीज हमारे सॉल्व नहीं हो पाएगी। यस सर, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम, हाँ, आई को स्मॉल मानोगे तभी प्रूव हो सकता है। देखो बेटा, अब नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारा? राइट एंगल पीएनसी, पीएनसी एंड सी, दिख रहा गौर से आपको पीएनसी ये वाला? ये
पीएमसी, यस सर, दिख रहा है सर, दिख गया जी सर। हाँ तो पीएनसी ट्रायंगल में टेन अल्फा इज टेन गामा ना, सॉरी टेन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी, पी क्या है पी एन, और बाई बी क्या है पीसी, बी है पीसी। अच्छा हाँ है ना। अब क्योंकि गामा यहाँ पे नियरली नियरली गामा बहुत स्मॉल है, क्योंकि गामा स्मॉल है तो टेन गामा इज नियरली इक्वल टू गामा, ठीक है। यस सर, हुआ बेटा। हाँ और जो पीसी है वो आर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं देयरफॉर नाउ अल्फा गामा इज इक्वल टू पी एन अपॉन आर। PN upon R, yes sir, PN small है यार, ठीक है ना। उसी प्रकार से similarly, अब बीटा किधर है, बीटा किधर है, बीटा किधर है, नहीं है मेरे पास, बुक बोल दो। देखो अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ये पी एन आई, पी एन आई, ठीक है। तो पी एन आई ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, पी एन अपॉन पी आई होगा ना, टेन बीटा इक्वल टू पी एन अपॉन पी आई, और कौन सा, हाँ ओ एन पी, ओ एन पी में टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पी एन अपॉन पी यू, ओपी, यस सर, ठीक है। हाँ तो बस इसी तरीके से यूज कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एन आई एंड पी एन ओ, ठीक है, ट्रायंगल पी एन आई एंड पी एन ओ, तो क्या होगा, tan beta is equal to pn upon pn i, pn upon क्या pi, ठीक है, यानी कि ये beta is equal to pn, क्या है pn, तो pn ही रहने दो, और pi कितना है v, pi तुम्हारा क्या है v है ना, yes, image distance है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। यस सर, एंड सिमिलरली टेन अल्फा इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी ओ, एंड पी ओ वुड बी व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो पी एन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू तो नेगेटिव होता ना हमेशा, है ना, नेगेटिव ही होगा ना बेटा, हाँ लेफ्ट साइड में ना, अल्फा बीटा गामा सभी आ गया, अब इस रिलेशन को यूज करो, इक्वेशन थ्री मानो, नो इक्वेशन थ्री, इसको इसके पहले थ्री कुछ माना था क्या हमने, नो सर, वन टू, फ्रॉम थ्री, तो फ्रॉम थ्री क्या है बेटा, एन वन क्या है, एन वन एन वन एन वन अल्फा है ना, एन वन अल्फा प्लस, सॉरी एन वन अल्फा, एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इक्वल्स टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा, गुड। तो एन वन अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है पी एन अपॉन आर, और गामा कितना है, गामा 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 गामा, सॉरी गामा है था ना पी एन अपॉन आर, सॉरी अल्फा है पी एन अपॉन माइनस यू, और एन वन और गामा कितना है पी एन अपॉन आर, एन टू इन टू अल्फा कितना है बेटा, अल्फा अल्फा सॉरी गामा ना, गामा 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 पी एन अपॉन आर, पी एन अपॉन आर माइनस एन टू
एन टू और बीटा कितना है पी एन अपॉन बी, ठीक है? यस सर। ओके या नहीं ओके? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को एडजस्ट, क्या मैं पी एन सारे पी एन को उड़ा सकता हूँ? बोलोगे क्यों? कॉमन लूंगा, लेफ्ट साइड में पी एन कॉमन आएगा, राइट में पी एन कॉमन आएगा, तो सारे पी एन उड़ जाएंगे। सारे पी एन ने पी एन को मार डाला सर। तो क्या होगा बेटा, ये एन वन अपॉन माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर इज इक्वल टू, या फिर एक काम करो एन वन कॉमन निकाल लो, यहाँ से शॉर्ट कर लो थोड़ा सा और, यहाँ से एन वन कॉमन निकाल लो, क्या होगा माइनस वन अपॉन यू और प्लस वन अपॉन आर, ठीक है? और ये एन टू कॉमन निकाल लो तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन यू, ठीक है? एडजस्ट बोलो बेटा। यस सर। एन टू काम करो, ये मत निकालो कॉमन, पता है क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमको और इसमें चेंजेस करने हैं कि इससे फायदा हमें कुछ होगा नहीं खास। एन वन माइनस एन वन अपन यू रहने दो और प्लस एन वन अपन आर रहने दो, और ये एन टू अपन आर भी रहने दो, माइनस एन टू अपन बी भी रहने दो, इससे अब हमको फायदा होगा। माइनस एन वन अपन यू प्लस एन टू वी है ना, वी तो माइनस में था तो एन टू अपन वी माइनस में था ना, इधर हाँ ठीक है। और ये होगा एन टू अपन आर माइनस एन वन अपन आर, ठीक है? तो माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू आर, वन अपॉन आर कॉमन निकालोगी तो एन टू माइनस एन वन, तो ये काइंड ऑफ लेंस फॉर्मूला हो, लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया। अब इसी को और हम लोग फर्दर डिराइव कर सकते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अब उसमें एक साइड हमने स्फेरिकल लिया था, ठीक है? एक साइड हमने स्फेरिकल लिया था, अगर मैं दोनों साइड स्फेरिकल ले लूं, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस बना दूं, तब क्या होगा? देखो नेक्स्ट पेज में, ठीक है? दोनों साइड में मैं लेंस ले लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स ले लेता हूं, ठीक है बेटा? कहीं पे भी मान लो, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लो और इस ऑब्जेक्ट से एक रे ले लो, यहीं पे जाएगी ये, इधर यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और आपको पता है ये लाइन कौन सी होती है? कौन सी सर? जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, डॉटेड वाली, ये कौन सी होती है? कौन सी लाइन होती है? ये पता नहीं सर। अच्छा ये मैंने बीच से रिफ्रैक्ट, क्योंकि ऐसा होता है क्या, लेंस के बीच तक लाइट जाएगी फिर वहां से रिफ्रैक्ट होगी? तो लेंस पे वो टकराते नहीं होगा है? वो तो लेंस पे मतलब इंसिडेंट होते ही होगा रिफ्रैक्शन। हाँ, तो ये बीच से क्यों लिया मैंने? पता नहीं सर। ओके क्यों लिया सर? अरे बाबा। देखो कॉन्वेक्स लेंस और अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल ग्लासेस,
ठीक है, यस इसका अपना एक रेडियस होगा सर। मान लेते हैं आर वन, और इसका अपना एक रेडियस होगा मान लेते हैं आर टू। तो आर वन यहां से लेके यहां तक होगा और आर टू यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है। यस सर। अब कोई भी लाइट रे मान लो, कोई भी लाइट रे अगर मान लो यहाँ से ये पैरेलल रे आ रही है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे ही इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो अब ये जो सरफेस है ये मान लो ग्लास वन, ये ग्लास टू, तो ग्लास टू का पार्ट है जिसपे अभी स्ट्राइक कर रही है वो ग्लास टू का पार्ट है यस ना। सर। तो यस सर। हमने बताया आपको कि स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है, क्योंकि हमें पता है ना, हाँ क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हाँ सेंटर से आने वाली लाइन हमेशा स्फीयर सर्कमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है, यस तो सर। सेंटर वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना, तो सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यस सर। ये नॉर्मल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे सेंटर से, ये कुछ यू लाइक दिस। सॉरी सॉरी। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इसके बाद फिर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइक लाइट रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना। यस इधर सर। इधर वाला पार्ट, ये पार्ट तो कुछ है यस। नहीं ना, वो तो मैंने गोल बना के दिखाया, कुछ है नहीं, वो यस सर। लेंस हाँ आपका आपका सिर्फ इतना ही पार्ट है जो ग्लास है, बाकी तो एयर है यस ना। सर। तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस सर। तो यहाँ यस से सर। लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाएगी लाइक दिस, यस सॉरी सर। लाइक दिस। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब यस सर। लेकिन लाइट देखो सेकेंड सरफेस तक पहुंची, सेकेंड सरफेस का रेडियस सेंटर यहाँ पे है, तो अब हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल लाइक दिस। तो अब लाइट देखो, ये देखो आपका रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम है, तो लाइट रेयर से डेंसर में गई थी पहले, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब डेंसर से रेयर में जाने वाली है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट कुछ यूं, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ यूं आएगी ऐसे लाइक दिस। नॉर्मल से ये नॉर्मल था ना आपका यस सर। एन यस टू, ये एन वन, तो नॉर्मल से अवे चली सर। आई, नॉर्मल से अवे आ गई, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, बेसिकली रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ कि लाइट यूं जाएगी, ऐसे थोड़ी बेंड होगी और फिर ऐसे बेंड होगी। फिर यस तो सर। इस चीज को बार बार नहीं ड्रॉ करना पड़े, इसलिए ओवरकम, इस चीज से निजात पाने के लिए लोगों ने बोला कि काम करो, इस लेंस के अंदर ना एक लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉ करो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हो, किससे पास करती हो, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से। सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है ना, यस सर। और लाइट को एक बार सीधा ऑप्टिकल सेंटर लाइन ऑफ एक्सिस तक लेकर जाओ, फिर वहां से सीधा रिफ्लेक्ट कर दो। दिस अच्छा। इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्सिस। जी नहीं आया समझ में, सर। आया सर। तो ये ख्याल 10th में नहीं आया था सर, ये ऐसा क्यों हुआ कि लाइट बीच में रिफ्रैक्ट कर रही है? बताए नहीं अरे सर सर किसी। आप 10th की बात क्यों करते हो, मेरे को 12th का याद नहीं है, 10th की बात क्यों करते हैं आप है ना। चलो यस। एनीवेज, हाँ तो ये स्फेरिकल सरफेस है, ओके। हाँ तो ये मान लो एन वन है, अरे यार क्या है, एन वन है, एन टू है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसका जो रेडियस है मतलब आगे तक होगा, रेडियस इसका जो है वो आर वन है, और इसका रेडियस जो है वो आर टू है, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ओके। एक मिनट, यार क्या हुआ, ठीक
एन वन माइनस एन टू माइनस एन वन कॉमन लिया वन बना, ठीक है चलो करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। ठीक है तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो लेंस में फॉर्मूला नोट करो यहाँ पे क्या था, एन माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इक्वल टू एन टू माइनस एन टू या एन वन माइनस एन टू था, एन टू माइनस एन वन, ठीक है एन टू माइनस एन वन वन अपॉन आर, ठीक है ओके यस सर ओके। सो इन दिस केस एक मिनट व्हाट विल हैपन लेट मी चेक इट, ये एन वन है और ये एन वन है, ठीक है ओके ओके। लाइट यू रिफ्लेक्ट कर गई, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, लाइट तो एक ही ली है मैंने, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इसकी इमेज तो यहाँ बनेगी ना, फिर उसको पीछे इमेज तो यहाँ बनेगी ना, वर्चुअल इमेज बनेगी ना आई डैश, ठीक है तो इसकी इमेज जो बनी वो एक ही साइड में बनी जो एन वन के साइड में, ठीक है तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस एन वन अपॉन यू और ये प्लस ये एन वन अपॉन वी, जो जिस साइड में यू है उस साइड में वी है, तो एन वन और एन टू, एन टू और एन वन एक ही हो गया, ठीक बात है। सो इन दैट केस इसको एन टू जाओ तो कोई दिक्कत, इसको एन टू आप कह लो, ठीक है अब तुम्हारा करेक्ट है, तो ये इज इक्वल टू अब तुम्हारा होगा एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन, रेडियस तो अलग अलग है, रेडियस तो एन टू अलग है, एन वन रेडियस तो तुम्हारा आर टू जो है वो एन एन वन की तरह वो तो अलग अलग है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू। तो अब यहाँ से एन वन आप कॉमन निकालोगे बेटा, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन और ये वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और ये आप लिख सकते हो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या था, वन अपॉन एफ आया था आपका फॉर्मूला दिया था, याद है आपको क्लास टेंथ में लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर, अब इसी से मैं आपको प्रूफ करूंगा लेंस फॉर्मूला, ये है तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, आई बात समझ यस। तो इसके लिए मतलब स्टार्टिंग से वो करना पड़ेगा, हाँ 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 स्टार्टिंग स्टार्टिंग से करना, जाहिर है आपको स्टार्टिंग से ही, तभी तो ये रिलेशन कहाँ से आया, स्टार्टिंग से ही तो आया, हाँ सर स्टार्टिंग से आया, हाँ सिंपल एज सिंपल इज दैट। ठीक बोलिए क्लियर है ओके। गया चलो अब देखो मान लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो u कितना होगा बेटा इनफाइनाइट, ठीक है और जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इमेज जो बनती है वो कहां बनती है, इमेज कहां बनती है बच्चे, इमेजेस यस सर, इमेज कहां बनती है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है,
इमेज बनती है फोकस पे बनती है पी ना, एफ फोकस पे बनती है ना। यस सर हाँ तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये जो जीरो हो जाएगा क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है ना, और वन v कितना f के इक्वल है, तो वन अपॉन f इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये भी तुम्हारा चलेगा ठीक है, यस सर कोई दिक्कत तो नहीं है सर। एक बैलेंस में कर एक बार रिपीट करोगे सर थोड़ा? रिपीट कर दूँ, कहाँ से बोलना बताओ। ये तो स्टार्टिंग कर दो, अल्फा वन एक्सटीरियर एंगल ले लिया, फिर अप्लाई स्नेल लॉ किया या सर स्नेल लॉ तक आया सर, वो हमें थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड तक मिल गया था ना सर, उसके बाद यहाँ तक मिल गया था उसके। ये यहाँ से पीएनसी से बताऊं? यस सर। अच्छा पीएनसी टर्मिनल किधर है बेटा, देखो ये तुम्हारा पीएनसी है सर, देख हाँ ये पीएनसी है ना। यस सर यस सर। इस ट्रायंगल में टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू पी एन अपॉन पी एन अपॉन पी सी पीसी। हाँ जी सर होगा ना। अच्छा पी एन क्या है बेटा, पी एन तो पी एन ही है, और पी सी को हम आर कहेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत क्लोज है बहुत एम्स। करीब है, बहुत हाँ बहुत ठीक है करीब है। अच्छा क्योंकि अल्फा स्मॉल है तो टेन अल्फा अल्फा इक्वल हो सकता है। यस सर। जैसे ये हुआ वैसे ही बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इन ट्रायंगल पी एन बी पी एन आई सॉरी ये वाला ट्रायंगल। पी एन आई हाँ अरे पी क्या है, एन आई पी एन आई यस सर है ना, तो यस बीटा इज सर इक्वल टू होगा पी पी एन अपॉन पी दा आई दा 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 पी आई पी एन तो पी एन ही रहेगा, और पी आई कितना होगा बेटा बोलो वी। वी हाँ ऐसे यस सर ही तुम्हारा न, 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 गामा पी एन गामा नहीं अल्फा ना सॉरी, अभी तो पहले हम लोग अल्फा ये हाँ सॉरी पहले गामा ढूंढा था सर पी एन वाला हमने। हाँ यस सर गामा ढूंढा था, ये गामा गामा ढूंढ दिया ठीक है। अब अल्फा को ढूंढने चलते हैं, कहाँ चलना है ढूंढने बताओ, दिल्ली में दिल्ली से बाहर। अल्फा तो अल्फा पी इक्वल टू एन क्या होगा, पी एन अपॉन पी एन अपॉन क्या पी पी एन अपॉन पीओ पीओ है ना, तो ये होगा पी एन अपॉन माइनस यू यू माइनस यू यस अल्फा सर बीटा गामा आ गया, आई गेस सर अल्फा बीटा गामा आ गया, इसको मिटा आ दो। गया मिटा दो सर। ठीक है ओके तुम रिवीजन कर रही हो पीछे वाला, इसी का ही नहीं सर, ना इसी हाँ का मतलब पीछे का है रिओप्टिक्स का। फिजिक्स, अरे फिजिक्स में चैप्टर्स 1 2 3 4 जो भी है। अब यहां से देखो इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था बेटा आपका, एन वन एन अल्फा वन प्लस अल्फा एन वन प्लस एन वन गामा। गामा इक्वल टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा है ना। हाँ जी अल्फा अल्फा की वैल्यू आई है व्हाट पी एन अपॉन माइनस यू पुट कर पी एन दिया, अपॉन माइनस यू गामा यस की सर वैल्यू आई है पी एन अपॉन आर पुट पी एन कर दिया, अपॉन आर यस सर गामा की फिर वैल्यू आई गामा पी एन की अपॉन वैल्यू आर आई पुट पी कर एन दिया, अपॉन आर अल्फा फिर बीटा की वैल्यू पी एन बीटा अपॉन वी पी पुट एन कर अपॉन दिया। वी यस सर क्या सारे पी एन मर गए, मर गए सर। मर गए, तो माइनस एन वन अपॉन यू आया प्लस एन वन अपॉन आर आया प्लस एन टू अपॉन आर आया माइनस एन टू अपॉन वी आया, करेक्ट यस सर करेक्ट ओके यस सर करेक्ट। फिर ठीक है। तो माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इक्वल टू एन टू माइनस एन वन कॉमन लिया, तो आर ये वन अपॉन आर वन इन टू अपन एन टू आर माइनस एन वन कॉमन दे दे फिर ठीक है सर। ठीक। यस सर अब देखो ध्यान से, जब हम बाई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे यस सर तो इन दिस केस अगर ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में प्लेस है तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, किधर बनती है, वर्चुअल बनती है। पोस्टर हाँ वर्चुअल बनती है, तो एन वन
ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना, दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n2 माना, n2 माना, ठीक है सर। ओके, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड में बनी है, तो n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v, तो n1 अपॉन u और n1 अपॉन v दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बना है n1 में, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का अलग अलग है ना, ये जो सरफेस है ये वाला लेफ्ट वाला ये वाला, इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने r1 मान लिया, ये जो जो कहीं यहाँ तक होगा कहीं यहाँ तक होगा ऐसे कुछ होगा, ठीक है। और दूसरे वाले को मैंने r2 मान लिया जो कहीं, हाँ r2 मान लिया, ठीक। तो n2 माइनस n1 1 अपॉन r था सिर्फ, ये होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ से n1 कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n1 दूसरी तरफ ले गए तो क्या हुआ, n2 माइनस n1 अपॉन n1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। यस सर। नहीं आया? आया आया सर, आया। पक्की बात है? पक्की बात है सर। ठीक है। यू अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, तो यू इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वी इज इक्वल टू एफ, सो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो 1 अपॉन यू विल बी 0, और v इज इक्वल टू f है तो v की जगह पे f पुट किया, तो n2 माइनस n1 अपॉन n1, n2 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r2, तो 1 अपॉन f भी यही आया और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u भी यही आया था। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। Yes, अब देखो इक्वेशन नंबर 4 का जो LHS है और इक्वेशन नंबर 5 का जो LHS है, दोनों इक्वेशन नंबर 4 का जो RHS है, इक्वेशन नंबर 5 का जो RHS है, वो दोनों सेम है। 1 upon r minus 1 upon r2, yes sir. From 4 and 5. 4 and 5. क्या होगा, 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon This is your lens v minus 1 upon u. पता ना लेंस का बोला? याद है आपको? Yes sir. This is your lens formula. ग्रीन टी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ अच्छा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर कुछ 1 अपॉन पता नहीं, रेसिप्रोकल होता है ना सर, फोकस, हाँ फोकस 1 अपॉन f, हाँ। पावर देखो, पावर का फील लेते हैं, पावर ऑफ लेंस का। देखो लेंस, अच्छा अगर नॉर्मल पावर की बात करते हैं तो पावर का मतलब होता है कि रेट ऑफ वर्क डन, ओके, यस सर, हाँ। लेकिन लेंस कौन सा काम करता है? लेंस डज द वर्क ऑफ कन्वर्जिंग द रेज, कन्वर्जिंग द रेज। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, ये किसी भी रे को कन्वर्ज कन्वर्ज करता है, yes, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है, और जो आपका कॉनकेव लेंस है ये रेज को क्या करता है, डाइवर्जिंग, यस सर, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो लेंस का दो ही काम है, या तो कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस मींस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस कॉल्ड एज, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस कॉल्ड एज पावर, ठीक है बेटा।
अब एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, जैसे मान लो मैं एक चीज तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक लेंस मेरे पास ये है और एक लेंस मेरे पास ये है, ठीक है, दो लेंसेज हैं, ओके। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है, मान लो ये जो है वो रे को कुछ यहाँ पे कन्वर्ट करता है और ये जो लेंस है वो रे को यहाँ पे कन्वर्ट करता है, ठीक। तो अब बताओ दोनों में किसका पावर ज्यादा, जो रे को जल्दी से कन्वर्ट कर दे उसका पावर ज्यादा है या जो रे को देर से कन्वर्ट करे उसका पावर ज्यादा? जल्दी कर दे, जल्दी कर दे। तो हमें साफ दिख रहा है कि पावर ज्यादा इसका होगा, पावर कम इसका होगा, साफ दिख रहा है क्योंकि इसने रे को बहुत जल्दी, इसने रे को बहुत जल्दी से कन्वर्ट किया और इसने रे को काफी देर के बाद काफी दूर जाने के कन्वर्ट किया। यस सर। तो जिस लेंस, जो जो लेंस रेस को जल्दी कन्वर्ट कर दे उसका पावर ज्यादा होता है और जैसे उसका पावर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, और जो लेंस रेस को देर से कन्वर्ट करे उसका पावर कम होगा, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। दिस इज हाउ वी कैन मैथमेटिकली राइट द एक्सप्रेशन फॉर पावर, दैट पावर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ। इफ द लेंस हैविंग मोर पावर इट विल बी हैविंग लेस फोकल लेंथ एंड इफ इट इज हैविंग लेस पावर देन इट विल बी हैविंग मोर फोकल लेंथ। सो वी कैन कंक्लूड दैट पावर रिलेटेड टू फोकल लेंथ एंड वी कैन से दैट रेसिप्रोकल ऑफ reciprocal of focal length called as power. Called as power of lens. ठीक है, so लिखेंगे P is equal to 1 upon F. But make sure that this F would always be in meter to get the power in standard units. Power कैसा unit क्या होता है? कैसा unit of power क्या? हाँ, doctor. डॉक्टर तो नहीं होता ना, वन डी होता था, डी होता था सर, डायोप्टर है ना, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर, डायोप्टर, हाँ, जिसको कैपिटल डी से डेनोट करते हैं एंड वी कैन राइट वन डायोप्टर इक्वल टू वन मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? नो सर। ओके, पावर में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, कॉनकेव लेंस का, अगर लेंस मेरे पास कॉनकेव है, आप ना एक चीज रट जाओ कि कॉनकेव कभी भी वर्ड आए ना कॉनकेव, yes, तो कॉनकेव ऑलवेज मींस नेगेटिव फोकल लेंथ, ऑलवेज, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव आया मतलब कि नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अगर कॉनकेव, अगर कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है, तो कॉनकेव का पावर भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पावर मतलब कि आप चश्मा लगाते हो? Yes, sir. हाँ, कितना पावर है? -1.5, बहुत ज्यादा नहीं है बट, तो माइनस पावर है, तो कौन सा लेंस आपके चश्मे में है? कॉनकेव, कॉनकेव मतलब आपको मायोपिया है? यस सर। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में नेगेटिव फोकल लेंथ और पावर नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ तो पावर पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि एडजेस का जो लेंस है वो कॉनकेव है, ठीक है। यस सर।
ओके मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं बस रिफ्लेक्शन के लिए यूज करता हूँ। मेरा मेरा पावर बिल्कुल परफेक्ट है, 6x6। हाँ पावर में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ बस रिफ्लेक्शन के लिए यूज करता हूँ जब लैपटॉप या जब फोन यूज करता हूँ तब, क्योंकि आंखों में भी इचिंग बहुत ज्यादा होती है। इतनी क्लास हाँ जो ये होती है से छः ब्लू घंटे 7 घंटे 8 घंटे क्लास हो जाती है, तो उस चक्कर में जो है ये परेशानी होती है। एनीवेज चलो, अब टॉपिक इंटरेस्टिंग तब बनता है जब पावर का कॉम्बिनेशन पूछे, समझदार है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। यस सर। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक लेंस आपका ये है, इसके साथ ही में कंबाइन करके एक और लेंस लगा दिया, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लो F1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो F2 है। कन्वेक्स और कंकेव को साथ में मिला दे सर। हाँ कैसे भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिला ओके तो क्या ओके दिक्कत है। यस ठीक है। आप यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे भी कर दो। डॉक्टर से आई चेकअप के लिए जाते हो आप, पिछली बार कब गए थे, पिछली यस सर बार कब गए थे आप डॉक्टर। पिछले बार गई थी सर। कभी कुछ मार्च आखिरी में बार गई कभी, थी सर। एक साल हो गया ना। यस सर अगली बार जाना तो पूछना यस सर कि मेरे को तो मायोपिया है, तो मायोपिया के में हमें कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए मेरे स्पेक्स में, तो क्या मेरा जो स्पेक्स है वो परफेक्टली कॉनकेव लेंस है या कुछ और है। और बिलीव मी डॉक्टर ये बोलेगा कि प्योर कॉनकेव नहीं है। जनरली प्योर कॉनकेव हम यूज नहीं करते हैं स्पेक्स के अंदर, कई बार सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कॉनकेव होता है, कई बार स्फेरिकल कॉनकेव होता है, अलग हाँ यस हाँ सर वो अलग अलग शेप में लगाते हैं। फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसके पीछे भी कारण ये है कि आपके आंखों में डिफेक्ट्स एक लड़की का ना बहुत, सर हाँ एक लड़की का एक आंख में सब वो था मतलब पॉजिटिव में कॉनकेव, था उसका, और दूसरा उसका हाँ मतलब माइनस, तो उसका सर तो वो हमेशा कहती थी कि मेरा स्पेक सिलेंड्रिकल कुछ है हाँ करके। यस सर तो नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, सिलेंड्रिकल कॉनकेव भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट जो हम आपको हम बताना चाहते हैं वो ये डिफेक्ट कि हाँ तो आंखों में ना डिफेक्ट्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिसमें से चुनिंदा आपने पढ़ा है कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया, इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसके अलावा कटरैक्ट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें 10 तरह की चीजें होती हैं, ठीक। अब इन जनरल ये पाया गया है कि जिसको मायोपिया होता है उसको एस्टिग्मेटिज्म की एक डिफेक्ट होती है, और एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टिल्टेड दिखती हैं। यानी कि यूं समझो कि आपके सामने अगर एक पोल है, वर्टिकल पोल है, ठीक, तो अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट है तो आपको पोल एक्चुअली में टिल्टेड नजर आएगा, हालांकि आपको दिखेगा ऐसा नहीं, होगा ये कि पोल की इमेज आपके आई रेटिना पे टिल्टेड बनेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो कॉर्निया है वो डिफॉर्म हो जाता है, कई बार कई कारणों से डिफॉर्म हो जाता है कॉर्निया, हम उतना डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, खैर आप लोग बायोलॉजी वाले ज्यादा जानकार हो, बट होता क्या है कि पोल की जो इमेज है रेटिना पे टिल्टेड बन जाती है, ठीक, और जो सिग्नल जब ब्रेन के पास पहुंचता है तो ब्रेन नोज दैट कि पोल तो टिल्टेड नहीं होगा, तो ब्रेन डज द एक्स्ट्रा वर्क एंड उस टिल्टेड पोल की इमेज को स्प्रेड करके आपको दिखाता है, एंड ड्यू टू द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द ब्रेन समटाइम्स आपको सर में दर्द होने लगता है, स्ट्रेस या स्ट्रेन फील होने लगता है,
तो कई बार अगर आप चश्मा नहीं लगाओ और तुम बिना कुछ चश्मा के एकदम पढ़ाई स्ट्रेन करो, होता है। यस सर, हाँ, यस सर। अच्छा दिमाग में दर्द, सर में दर्द क्यों होता है तो ओके आंखों ओके का ओके सर। तकलीफ, तो सर में दर्द, अगर अगर मेरे को मेरे हाथ में चोट लगी है तो पाँव में दर्द क्यों होगा? आप मेरी यस बात समझ रहे हो ना? सर। ऐसा ही है कुछ कि आंखों की तकलीफ है तो सर में दर्द क्यों होता है? यानी कि एक तो चलो ये है कि चलो ठीक है, वो ब्रेन जो है आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ब्रेन तो कनेक्टेड होगा, हर बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड है, एक एक सेल से कनेक्टेड है, ठीक, तो ब्रेन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन हैज टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, एंड इन जनरल मायोपिक पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म होता ही है, एंड टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल लेंस इज रिक्वायर्ड। इसीलिए आपको मायोपिया है तो कॉनकेव, और अगर साथ में एस्टिग्मा, डॉक्टर जब वो चेक करता है ना तो उसको मालूम पड़ जाता है कि इसको एस्टिग्मेटिज्म भी है, तो प्योर कॉनकेव ना देके वो सिलेंड्रिकल कॉनकेव देता है, जिससे आपका एस्टिग्मेटिज्म और मायोपिया दोनों ठीक हो सकता है। कहानी समझ में आया? हाँ, कई बार तकलीफ होती है, सर में दर्द हो रहा, भाई क्यों हो रहा सर में दर्द? अच्छा, ऐसा ऐसा भी होता है, जनरली मैंने देखा है कि जिसको यार वो पढ़ते हैं तो सर में दर्द होता है, या फिर मैं कुछ कहीं पे फोकस करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ तो सर में दर्द होता है, तो उसको लोग किसी न्यूरोसर्जन या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके नहीं जाते, उसको लेके जाते हैं किसी ऑप्टिशियन के पास। हाँ, तो पढ़ने में तकलीफ हो रही, सर में दर्द हो रहा है, कंसंट्रेट कर, कहीं पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो सर में तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है ना, तो उसको ले जाना चाहिए दिमाग के डॉक्टर के पास, ना लिख ले जाते हैं किसके, आंख के डॉक्टर के पास, ऑप्टिक्स। ऑप्टिशियन के पास। तो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि कनेक्शन है। और सर में दर्द क्यों होता है, मैंने आपको समझा दिया? हाँ, तो कहां से कहां बात चली, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है कि इफ द लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर, एक दो तीन चार कितने भी लेंस को कंबाइंड कर दो, तो कंबाइन करने के बाद हाउ कैन वी फाइंड द कंबाइंड पावर या कंबाइंड फोकल लेंथ, राइट? सो फर्स्ट सी द कंबाइंड फोकल लेंथ, जैसे रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करते थे ना पैरेलल कनेक्शन में, बस वैसे ही कि 1 upon F total is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 एंड सो ऑन, ठीक है? ठीक है बेटा, हाँ हाँ, जी। तो ये हो गया नेट फोकल लेंथ। एफ नेट लिख लो यहाँ पे, करेक्ट रहेगा, ठीक। नेट पावर कितना होगा बेटा? नेट पावर P वन अपॉन एफ, सॉरी 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 सॉरी, P1 हाँ, पी नेट इज इक्वल टू P1 plus P2 plus थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा? नेट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इमेज, बेटा? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ साइज रियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हाँ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है M1 into M2 into M3, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट, अच्छा, ठीक है? एडिशन नहीं हो रहा मतलब। यस सर। हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ओके सर। ओके। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें से कुछ चीजें जरा इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें और भी हो जाती ऐड हो जाती हैं, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक लेंस यू हो और एक लेंस यू हो और दोनों सेपरेटेड हो, दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है? इसका इसका फोकल लेंथ मान लो F1 हो, इसका फोकल लेंथ मान लो F2 हो, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, इन दैट केस हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेट पावर?
इस केस में नेट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एफ नेट इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन इंटू एफ टू। खाली याद कर लोगे आप ऐसे, नेट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पी नेट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू माइनस डी इंटू पी वन इंटू पी टू। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? Yes, ये रिफ्लेक्शन का पार्ट वन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन का मतलब कि रे ऑप्टिक्स का। इसके अंदर पार्ट टू में और भी पढ़ाएंगे आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे, दो तीन टॉपिक और रह गए हैं, इसके बाद रिफ्लेक्शन का चैप्टर सॉरी रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करा दूंगा आपको, पिछले 10 साल में जो आए हुए हैं और इन टॉपिक से, और इसके बाद फिर हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे। मुश्किल से 2 क्लास में और खत्म हो, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा ये रे ऑप्टिक्स। हालांकि रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर था, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ स्टिक टू एनसीईआरटी में पढ़ाया आपको। यस सर। इसीलिए तुम्हारे टाइम का मैंने, अदरवाइज इसके नीट पे अगर मैं चला जाता तो रे ऑप्टिक्स कम से कम लगता 3 हफ्ते खत्म होने में। चलो बेटा ठीक है, आज इतनी रहने देते हैं। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो नोट्स बना रही हो ना पूरा? बना रही हूँ सर। हाँ एकदम नोट्स साफ हैंड राइटिंग में नोट्स बना होना चाहिए ना। यस सर। मक्खी नहीं मारनी है। हाँ मक्खी नहीं मारनी।